सो गाइस, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया CGTT के बारे में। CGTT यानी कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो पर। साथ ही देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा पूरी जानकारी के लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर हम बात करें तो परीक्षा तिथि क्या होगी, कौन कौन सब्जेक्ट होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो पर। सिलेबस क्या होगी, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, परीक्षा तिथि कब होगी, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। जब भी मैं ऐसे ही रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TT 2022 के ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में, जो लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की परीक्षा तिथि कब होगी, परीक्षा का समय क्या होगा, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो पर। देखिए, यहाँ पर जो TT का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में। देखिए, यहाँ पर एग्जाम का दिनांक भी दिया गया है 18/9/2022 को, यानी कि 18 सितंबर 2022 को किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के व्यापम के वेबसाइट व्यापम.cgstategovernment.in पर जाके इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं परीक्षा की तिथि की। तो परीक्षा की तिथि के बारे में बात करेंगे तो 18 सितंबर 2022 को रविवार को होगा। कब होगा, परीक्षा तिथि है 18 सितंबर यानी कि 18 सितंबर को होगा। और देखिए, प्यून भर्ती का कब होगा, 25 सितंबर को होगा। प्यून भर्ती का 25 सितंबर को होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद देखेंगे CGTT यानी कि शिक्षक पात्रता का। तो परीक्षा का समय आपका प्रथम पाली यानी कि 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं के लिए सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:15 तक रहेगी। साथ ही द्वितीय पाली यानी कि 6वीं से 8वीं तक के कक्षाओं के अध्यापन हेतु दोपहर 2 बजे से 4:45 तक रहेगा। अब बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि की, तो 23/8/2022 से मंगलवार से, ठीक है। और आज आपका 24 तारीख है, ठीक है, 24 तारीख बुधवार, लेकिन यानी कि कल से आपका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 6/9/2022 को कब दिए गए, 6/9/2022 को मंगलवार रात्रि 11:59 तक, यानी कि आपके आसपास 14 से 15 दिन का अभी समय है, ठीक है। त्रुटि सुधार के बारे में बात करें तो 7/9/2022 तक, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि प्रवेश पत्र जारी करने के संबंध में, तो यह आपका 12/9/2022 को प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा। परीक्षा के केंद्र की बात करें यानी कि 28 जिलों में आपका परीक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। साथ ही दोनों परीक्षाओं के लिए, ठीक है, दोनों परीक्षाओं के लिए आपको एक ही आवेदन लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की बजट सत्र के दौरान की गई घोषणा के अनुरूप इन प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए राज्य के मूल निवासियों को कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। यानी कि कोई भी मूल निवासी होगा यानी कि राज्य के, उसको परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप व्यापम के CGVyapam.state.government.in पर जाके आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या होगा, CGTT यानी कि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता के लिए सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसका PDF पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही इसका PDF आपको हमारे YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा, या फिर आपको व्हाट्सअप ग्रुप यानी कि हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा, तो वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। व्हाट्सअप ग्रुप आप जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सिलेबस की। अब देखेंगे इसकी तैयारी कैसे करना है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके लिए बताऊंगा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता 2020 के मैं सिलेबस बता रहा हूँ आपको, एक बार देख लीजिएगा। प्रथम पेपर कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के अध्ययन के लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए प्रश्न पत्र प्रथम के इस भाग में 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। कितना होगा, 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पहला बाल विकास का परिचय है। इकाई 2 में विकास के लिए पहलू दिए गए जो कि 7 नंबर से आएगा। शारीरिक व गत्यापन विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वयन का विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक यानी कि तीसरा इकाई है सीखना एवं संज्ञान का विकास, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि ये सब सिलेबस दिए गए। इसका इकाई 4 है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, अंक 7 नंबर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे इसका सिलेबस कैसे तैयारी करना है, मैं आपको बताऊँगा, ठीक है।
छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020-22 के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम प्रथम पेपर कक्षा पहली से लेकर पाँचवीं तक के हिंदी भाषा के लिए आपको 30 अंकों के कितना नंबर पूछा जाएगा, 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछा जाएगा। ये हिंदी व्याकरण के लिए पूरा हो गया। इसके बाद बात करेंगे पहली से पाँचवीं तक के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए, तो आपका अंग्रेजी भाषा के लिए आपका कितना नंबर रहेगा, टोटल 30 मार्क्स का रहेगा, लेकिन आपको पहला क्या है कंपेंसेशन, यानी कि कंपेंसेशन कितना नंबर रहेगा, 15 नंबर का कंपेंसेशन, यानी कि 7 मार्क्स का रहेगा। फिर ग्रामर 4 नंबर का, वोकैबुलरी यानी कि 4 नंबर का, यानी कि सभी को मिलाकर 15 नंबर यहाँ पर हो गया है। उसके बाद बी वाला ऑप्शन देखेंगे तो पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 15 नंबर, यानी कि इंग्लिश में आपका टोटल 30 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर करके। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता के गणित के लिए, गणित के लिए कितना नंबर का रहेगा, तो देखिए गणित के 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न रहेंगे। तो गणित की प्रकृति, गणित के सीखना और सिखाना, यानी कि इस पर देखिए पेपर कक्षा पहली से लेकर पाँचवीं तक के अध्यापन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे, ये आपका पूरा गणित का सिलेबस है। इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद है आपका कक्षा पहली से लेकर पाँचवीं तक के पर्यावरण के अध्ययन के लिए, तो पर्यावरण के अध्ययन के लिए आपको कितना नंबर का रहेगा, 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न रहेंगे, कितना रहेगा, 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा कक्षा छठवीं से लेकर आठवीं तक का, ठीक है, कक्षा छठवीं से लेकर आठवीं तक के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, कक्षा छठवीं से लेकर आठवीं तक के अध्यापन के लिए दिया गया, ये आपका सेकंड सिलेबस है, जो कि यहाँ पर 15 नंबर का यहाँ से पूछा गया है और भाग 30 अंकों के 30 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भाषा से, भाषा यानी कि हमारा हिंदी भाषा से आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा, 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी ग्रामर से। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर देखेंगे तो यहाँ पर कक्षा छठवीं से लेकर आठवीं तक के लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए आपका 30 नंबर रहेगा, कितना नंबर रहेगा, 30 नंबर। तो 15 नंबर आपका क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, कंपेंसेशन से, ठीक है, कंपेंसेशन से आपको 5 नंबर, ग्रामर से 3 नंबर और वोकैबुलरी से 2 नंबर, यानी कि टोटल आपका यहाँ पर मिलाकर और कंपेंसेशन वोकैबुलरी से यानी कि 3 और 2 यानी कि 5 यानी कि 15 नंबर। उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट से आपका कितना रहेगा, 15 नंबर, यानी कि टोटल 15 और 15 कितना हो गया आपका 30, यानी कि इंग्लिश से आपका 30 नंबर पूछा जाएगा। इसके बाद देखेंगे सिलेबस है आपका, इसके बाद सिलेबस है गणित का, तो गणित और विज्ञान का रहेगा कक्षा छठवीं से लेकर आठवीं तक के लिए 30 प्रश्न पत्र के भाग में 30 अंकों के कुल 30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें गणित तथा यहाँ पर विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पूरा सिलेबस देख लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, या फिर इसका पीडीएफ पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही इसकी तैयारी कैसे करना है तो पूरी जानकारी के साथ आपको मैं बताऊँगा हमारे यूट्यूब चैनल के नेक्स्ट वीडियो पर, तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो चलिए अब इसके बाद देखेंगे, सिलेबस तो कंप्लीट करा दिया हूँ मैं इसका, ठीक है। इसके बाद सामाजिक अध्ययन देखेंगे तो सामाजिक अध्ययन से आपका 60 अंकों के कुल 60 प्रश्न रहेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको मेहनत कहाँ करना पड़ेगा तो सामाजिक अध्ययन पर करना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान पर, ठीक है। इकाई एक भारतीय समाज, इकाई दो है भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इकाई थ्री है मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, इकाई फोर है भक्ति सूफी आंदोलन, इकाई फाइव है मुगल साम्राज्य, यानी कि आपको चर्चा नंबर से ऐसे टोटल मिलाकर 60 अंकों के कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन से, आपको 60 अंकों के कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ज़्यादा दिन आपका नहीं बचा है, आपका 18 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो पूरा तैयारी हमारे YouTube चैनल पर कराया जाएगा CGGT से, कैसा प्रश्न पूछा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। अगर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आज रात 8 बजे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की तैयारी कराया जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ, यानी कि टोटल आपका 50 MCQ डेली कराया जा रहा है, यानी कि 10 दिनों का क्रैश कोर्स है, तो आपका 500 MCQ छत्तीसगढ़ का कराया जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर सामान्य अध्ययन
सामान्य अध्ययन से आपका रहेगा तो आपको पूरा टोटल इसके लिए तैयारी कराया जाएगा, यानी कि 100-100 क्वेश्चन डेली क्लासेस कराया जाए आपको, ठीक है। 100-100 क्वेश्चन का डेली क्लासेस कराया जाएगा, वो भी कल से। तो जो लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे, ये आपका पूरा सिलेबस है, ठीक है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सी जी टेट यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, इसका एग्ज़ाम आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। और तो तैयारी करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली क्लासेस कराया जा रहा है रात 8 बजे आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से क्लास रहेगी 50-50 एमसी के ऊपर, ठीक है। गणित की क्लास आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। मैथ्स की क्लास साथ ही छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान कल से हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। यही आपको जानकारी देना था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें।